छात्र छात्राओं को अपना मानदेय कम लगता है, उनके खर्चे ज्यादा है और मानदेय वही पुराना दिया जा रहा है। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीएमई से मिलकर विद्यार्थियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। डीएमई ने 8 दिन के भीतर मांग पूरी करने का वादा तो किया, लेकिन लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया, इसलिए हड़ताल जारी रहेगी। एक से अधिक 8-10 दिन, 8 दिन मैं कह रहा हूँ, अधिक हो गए तो 10 दिन, उससे ज्यादा नहीं। ये लोग एट पार विथ इंटर्न्स ऑफ मेडिकल कॉलेज, तो वही है। कितने का मानदेय का? मानदेय 12,000 का है ना, वहाँ का है ना, 12 का है, 3 का भी 12 है, यही तो देते रहे सब तरह स्वास्थ्य नहीं है। मानते हैं दंत चिकित्सक महाविद्यालय में 2 दिन की हड़ताल जारी है। आज हड़ताल के दूसरे दिन है और ये जो इंटर्न्स हैं ये हड़ताल पे लगातार बैठे हुए हैं। यहाँ अभी प्रशासन के लोग यहाँ पे आए हैं इनसे बात करने के लिए, तो हम यहाँ पे विद्यार्थियों से ही जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं आपकी। आप दूसरा दिन है हड़ताल आपका। हम चाहते हैं हमारा स्टाइपेंड जो 8,000 है वो 12,600 हो जाए, इससे ज्यादा हमें कोई मांग नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। बस इसके बारे में हमें एक लिखित आश्वासन दे दिया जाए कि वो एक हफ्ते में हो जाएगा। हम अभी डीएमई से आप लोग को बातचीत हुई, डीएमई यहाँ पे पहुँचे थे, क्या बोले? उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया है कि 8 दिन में वो पैसे बढ़ा देंगे, बट हमारे पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, तो हम उसके बारे बात पे भरोसा कर नहीं सकते। इसकी आश्वासन दिए उन्होंने, पैसे बढ़ जाएंगे 8 दिन में, मौखिक आश्वासन। जैसे कि डीएमई अभी आश्वासन दिए 8 दिन में पैसे बढ़ जाएंगे, क्या आप हड़ताल खत्म कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, जब तक हमको लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा हम हड़ताल बंद नहीं करने वाले। कितने दिनों तक जारी रहेगा ये हड़ताल? ये आज इसका दूसरा दिन है, उसके बाद अगर हमको लिखित में आश्वासन नहीं मिला, शासन की तरफ से हमको नोटिस नहीं आया, तो हम लोग 14 फरवरी से फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। ये आपके हड़ताल से मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है? बिल्कुल प्रभावित हो रही है, हम काम नहीं सीख पा रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। हमें जब तक स्टाइपेंड नहीं बढ़ा जाएगा हम अपने काम पे नहीं लौटेंगे। तो अभी अभी तमाम इंटर्न्स से बहस के आपने सुना, उनका कहना है कि उनका मानदेय बढ़ाने की मांग है। हालांकि डीएमई इनके पास पहुंचे थे बातचीत करने के लिए, डीएमई ने आश्वासन दिया है कि 8 दिन के भीतर इनका जो मांग है वो पूरी कर दी जाएगी। कैमरामैन नागेंद्र नावलकर के साथ सत्यराजपुर स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।